ब्रेक के बाद खबर पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। यहाँ पर कोटपुतली कस्बे में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8 पर चौकी गोवर्धनपुरा के पास दिल्ली से जयपुर आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ओवरटेक करते हुए आगे चल रहे ट्रोले से जा भिड़ी। वहीं हादसे में बस में सवार 25 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद सवारियों की चीख की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल के लिए रेफर किया, जहां से गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के चौमू उपखंड में आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के चलते उपखंड के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं आज सामोद पर्वत पर भी जोरदार बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते सामोद पर्वत से निकलने वाले नदी नाले काफी तेज बहाव से बहे। आज शनिवार होने के कारण वीर हनुमान जी के दर्शन करने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दौसा के बांदीकुई में आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत टीम ने आज दर्जन गांवों में से 181 लीटर हथकर शराब बरामद की। 3 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया। सवाईमाधोपुर के खंडार के पिलेंटी गांव में चोरों ने मकान की पिछली दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 600 ग्राम चांदी के जेवरातों सहित मोबाइल पार कर लिए। झालावाड़ की पिड़ावों में पुलिस ने हरनावदा पीथा गांव निवासी सुल्तान सिंह के कब्जे से 3 लीटर कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया। झालावाड़ के मनोहर थाना में वृक्षारोपण कार्य को देखकर लौट रही ग्राम सेवक सिगाली कलोज का पूर्व जिला उप प्रमुख पति और पूर्व सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अलवर के किशनगढ़ बास में विधानसभा क्षेत्र के गांव चाकियावास में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हुआ। 4 महिलाओं से 6 लोग घायल हो गए हैं। अजमेर के मसूदा पुलिस की मुखबिर के इतला पर कार्रवाई हुई है। खीमपुरा चौराहे पर नाकेबंदी की गई और नाकेबंदी के दौरान टेम्पो से 288 देशी शराब के पब्बे बरामद हुए। बूंदी जिले के कापिन कस्बे में चाली जी का बराना में बारिश के चलते नदी में उफान आ गया। नदी की पुलिया पर 4 फीट की पानी की चादर चल रही है। दर्जन भर गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिसके कारण सुबह से आवागमन बंद हो गया है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में कम पावर के ट्रांसफार्मर लगे होने के कारण पंखे कूलर फ्रिज सहित अन्य विद्युत उपकरण बंद ही रहते हैं। बारां जिले के अंता कस्बे में पिछले 8 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आसपास के खाड़ी नाले उफान पर हैं। भरतपुर के कुम्हेर में गांव जहांगीरपुर में फायरिंग की सूचना पर पुलिस पहुंची। बरसात के पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में झगड़ा भी हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझा बुझाकर इस झगड़े को शांत कराया। सीकर के श्रीमाधोपुर में केंद्रीय मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साप्ताहिक गाड़ियों को प्रतिदिन करने की मांग की गई। दिल्ली सराय रोहिला वाया श्रीमाधोपुर और बांद्रा टर्मिनल गाड़ियों को प्रतिदिन करने की मांग की गई। युवा जागृति संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। जयपुर के कोटपुतली में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। चौकी गोवर्धनपुरा के पास हरियाणा रोडवेज ट्रोले से टकराने से 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का बीडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोधपुर की बालेश्वर पंचायत समिति में मीठी बेरी तिराहे के पास चंडीगढ़ निर्मित अवैध शराब के 2350 कार्टन से भरा कंटेनर पुलिस स्पेशल टीम ने सिर्फ कार्रवाई में पकड़ा है। भरतपुर में सीकरी में बारिश का दौर जारी है। दूसरे दिन भी जोरदार बारिश हुई। स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जालौर की भीरमाल पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित शिविर में 36 में से सिर्फ 13 जनप्रतिनिधि ही पहुंचे। सरपंचों का आरोप है कि पंचायत समिति स्तर से कोई काम नहीं हो रहा। जयपुर जिले के कानूतर कस्बे में नायला तिराहे पर लो फ्लोर बस ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत बीरमाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 महीने से ज्यादा समय से चिकित्सक का पद खाली पड़ा है। बता दें कि यहां पर एक दिन के लिए सरदारगढ़ पीएससी के चिकित्सक को डेपुटेशन किया गया। चिकित्सक का पद रिक्त होने से मरीजों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएससी में चिकित्सक के अभाव के चलते सबसे ज्यादा प्रसूताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। प्रसूताओं को बीरमाना से सूरतगढ़ रेफर किया जा रहा है। वहीं चिकित्सालय की 104 एम्बुलेंस भी ऑफ रोड चल रही है। उदयपुर के झाड़ोल में विभाग ने क्षतिग्रस्त पुलिया पर रेत डालकर जिम्मेदारी पूरी की। झाड़ोल उपखंड से ओगना को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर पुलिया पिछले साल मानसून में ही टूट गई थी। ये पिछले दिनों ही बारिश में और ज्यादा टूट गई। विभाग ने इसे दुरुस्त करने के लिए नदी के पेटे से ही पुलिया पर रेती डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली।
बता दें कि इससे बारिश होने पर वापस आवागमन बाधित हो जाएगा। विभाग के पूरे साल की नींद नहीं खुलती है और मानसून आने के बाद जब समस्याएं बढ़ती हैं उसे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाड़ा कस्बे की पंचायत समिति भैसोड़गढ़ में प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से निःशुल्क गैस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा कस्बे के विधायक ने अपने दौरे के दौरान भैसोड़गढ़ पालिका स्कूल में पोषाहार की जांच की। श्रीगंगानगर जिले के खरसाना कस्बे की ग्राम पंचायत ने 24 एएससी में विकास कार्य के लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। आदर्श मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत योजना में सड़क, नालियां, पेयजल, शिक्षा और बिजली संबंधी काम करवाए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले की घाटोल कस्बे में स्थानीय पंचायत के ध्यान नहीं देने के कारण पुराने बस स्टैंड स्थित सब्जी मंडी में गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। अलवर के रामगढ़ में केरवा जाट गांव से भजट मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।